अगर आपको अभी किसी ने धोखा दिया है या अगर लोग आपको बहुत आसानी से धोखा देकर चले जाते हैं और आप परेशान हो जाते हैं, आप रोते हैं, आप दुखी हो जाते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही बनाई गई है। हम बात करेंगे कि लोग आपको ही धोखा क्यों देते हैं। जब धोखा देते हैं तो हमको इतना बुरा क्यों लगता है? क्या हम ही उसको इन्विटेशन नहीं दे रहे कि आओ मेरी जिंदगी में और मुझे धोखा दो? इस पे बात करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि धोखा क्यों मिलता है या हम दुखी क्यों होते हैं। तो दुख का सिर्फ दो ही कारण होता है और इसके अलावा कोई और कारण हो नहीं सकता। हो तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। पहला कारण, बीता हुआ सुख, जो सुख बीत गया। और दूसरा कारण, आने वाले सुख की चिंता या एक्सपेक्टेशंस। समझ रहे हैं? इस दो के अलावा कुछ नहीं है। इंसान या तो भूतकाल में रहेगा कि एक जमाने में करोड़पति हुआ करता था, इतना पैसा हुआ करता, आज नहीं है। दुख, एक जमाने में वो मेरे साथ हुआ करती थी, मेरी माशूका, आज नहीं है। दुख या एक्सपेक्टेशंस आने वाले टाइम के लिए, फ्यूचर में, मतलब भविष्य काल में, कि काश ऐसा हो जाए, नहीं हो पा रहा। दुख, मुझे लगता था ऐसा हो जाएगा, मुझे लगता था वो इंसान मेरा साथ देगा, नहीं दिया। दुख, आप दुखी होगे, आप सुखी होगे, ये आप पे डिपेंड करता है। कोई और इंसान आपको दुख नहीं पहुंचा सकता, इतना सिंपल है ये। क्योंकि वो इंसान सबके साथ ऐसा कर रहा है कि सभी लोग दुखी हो रहे हैं? नहीं। एक इंसान, मान लीजिए कि 10 लोग हैं, एक इंसान, या आपने रियल एग्जांपल लेते हैं कि हम क्लास में हैं, टीचर आके सबको डांटता है, किसी को कम बुरा लगता है, किसी को बिल्कुल बुरा नहीं लगता, कोई बोलता है अरे छोड़ना यार, रोज का काम है। डिपेंड करता है कि आप इस चीज को कैसे ले रहे हैं। धोखा आपको मिल रहा है, कोई दे नहीं रहा। ये बहुत गहरी बात है। धोखा मिलता है, कोई देता नहीं है। आप जाके कोशिश कर लीजिए किसी को धोखा देने की। अगर उसको नहीं लेना धोखा, वो नहीं लेगा, इतनी आसानी सी बात है। एग्जाम्पल के तौर पे, ये दो लोग रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, प्यार मोहब्बत कर रहे हैं। एक इंसान बोलता है कि देखो मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगा, मेरे घर वाले नहीं मान रहे। अगर ये चीज़ पहले वाले इंसान को पता हो तो क्या उसको धोखा मिलेगा, या एटलीस्ट क्या उसको फीलिंग ये आएगी कि मेरे को धोखा मिला है? नहीं आएगी, क्योंकि उसको पता है, हाँ मुझे पता है तुम क्या करोगे, तुम्हारी क्या हैसियत है। लेकिन अगर वो इस द्वंद्व में रहे, या कहना चाहिए इस विश्वास में रहे कि मुझे तुम बहुत पसंद हो, और वो कह रहा है कि मैं शादी कर लूँगा, उसको लगता है कि हाँ वो शादी करेगा करेगा करेगा, और वो अचानक से कह दे कि मैं शादी नहीं कर पाऊँगा, घर पे नहीं मान रहे मम्मी पापा, तो उसको क्या धोखे वाली फीलिंग आएगी? जी हाँ बिल्कुल, उसको धोखे वाली फीलिंग आएगी। तो जब तक आप सत्य से दूर हो, तब तक आप हमेशा धोखे में रहोगे। ये बहुत ही है ना, जो हमें रोज़ धोखे मिलते हैं, सही मायने में हर घंटे हर मिनट हमको धोखा मिल रहा है, लेकिन वो इतना सूक्ष्म होता है, वो इतना सटल होता है कि हमें समझ में नहीं आता। जो बहुत चीज़ें प्रकट होती हैं, जो बहुत ज़्यादा चीज़ें हमें दिख रही हैं ट्रांसपेरेंटली या बहुत ही एक्सक्लूसिवली, तो हम बोलते हैं कि देखो मुझे धोखा मिल रहा है। जो इंसान आपको अचानक से बोल रहा है कि मुझे शादी नहीं करनी, उससे पहले भी वो रोज़ आपको 15, 5 मिनट, 10 मिनट में धोखा देता ही था। जब वो कहता था कि तुम्हारी आंखें बहुत अच्छी हैं, मैं तो तुम्हारे व्यवहार से प्यार करता हूँ, मैं तो बस तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए मैं चांद तारे तोड़ लाऊंगा, या चलिए ये तो बहुत अतिशयोक्ति वाली चीज़ हो गई, लेकिन वो सिंपल भी अगर बोलता था कि मैं तुमसे शादी करूँगा, जब जब उसने बोला मैं शादी करूँगा, तब तक वो आपसे झूठ बोल रहा था कि नहीं बोल रहा था, बताइए? तब तक वो आपको धोखा दे रहा था कि नहीं दे रहा था, बताइए? तब आपको क्यों नहीं लगा कि धोखा मिल रहा है? अभी क्यों लग रहा है? क्योंकि आप सत्य से दूर थे। अगर आप तब सच का आईना देख पाते तो आपको पता लग जाता कि आप रोज़ धोखा खा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ देखिए कि धोखा मिला मिला, अब उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हम ये क्या कर सकते हैं, जानिए कि आगे से धोखा ना मिले। सबसे पहली चीज़ कि आपकी इसमें क्या गलती थी। तो अब तक तो आप समझ गए होंगे क्या गलती थी, भूमिका इतनी बना ली है हमने। गलती आपकी यही थी कि आप उसका सच नहीं देख पा रहे थे। वो जैसा आपको पट्टी पढ़ा रहा था वैसा पढ़ रहे थे, और आपको लग रहा था इंसान सही है ना। वो इंसान सही है गलत है वो आप डिसाइड करेंगे। वो कितना सही कितना गलत है, ये आपकी नॉलेज, आपके ज्ञान पे डिपेंड करता है ना। कोई एक स्टूडेंट जाके अगर टीचर को बेवकूफ बना रहा है तो वो टीचर की गलती है। स्टूडेंट की गलती तो चलिए है ही, लेकिन वो टीचर की गलती है सबसे पहले, क्योंकि वो ये एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकता कि सामने वाला इंसान सही है। अरे आप खुद में झांकिए, आप खुद को जानिए, इसीलिए जाना जाता है अध्यात्म में घुसना चाहिए। आप खुद को जानिए, आप कौन हो, आप क्या कर रहे हो,
जब आप ही सही नहीं हो तो आप सामने वाले से क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हो कि वो जैसे वही उसी आ जाते हैं एग्जांपल पे कि सामने वाला कह रहा है कि मैं शादी नहीं कर पाऊंगा, हाँ वो धोखा देता है। आप खुद से पूछिए कि आप कितना ज़्यादा उसमें घुसे हुए थे कि आपको शादी सच में करनी है और उसकी उसके क्या कारण थे। आप कहते हो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं सच में तुम्हारे व्यवहार से, तुम्हारी मुस्कान से, इससे प्यार करता हूँ। आप खुद से पूछिए कि आप किस चीज़ से प्यार करते हैं, आपको समझ में आएगा कि आप क्या हैं। जब आप यही समझ पाएंगे कि आप क्या हैं तो हमारी ही तरह पूरी दुनिया है, सभी लोग हमारी तरह ही हैं। तो इंसान जब खुद को जान लेना तो सब कुछ जान लेता है। तो पहले खुद को जानिए, है ना, तब आप समझेंगे कि हाँ क्या कारण होता है। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता सकता हूँ, ऊपर की लेयर ही बात कर सकते हैं हम, है ना, कि जल्दबाजी मत करिए किसी भी चीज़ पे। किसी इंसान से दो दिन बात करके ऐसा नहीं होता, विश्वास नहीं किया जाता। और फिर घूम फिर कर वही बात आएगी कि ज्ञान से दूर हो ना, पता नहीं है चीज़ के बारे में इसलिए बना दे रहा है कोई बेवकूफ़। आपको पता नहीं है कि अगर आपकी कंपनी मान लीजिए लैपटॉप बन रहा है, ठीक है जी, आपको पता ही नहीं है लैपटॉप बनने का प्रोसेस क्या होता है, तो कोई भी कर्मचारी आएगा आपको बेवकूफ़ बना के चला जाएगा कि देखो ये रैम काम नहीं कर रही है, ये DDR4 है, DDR3 लगानी है जी हमको, तो DDR3 लेटेस्ट। आप मान जो कि हाँ जी DDR3 रैम लेटेस्ट, क्योंकि आपको पता ही नहीं है, ज्ञान से वंचित रह गए ना, ज्ञान नहीं है। जब यही पता हो लैपटॉप में कौन सा रैम, कौन सा प्रोसेसर, कौन सा स्क्रीन, कौन सा FPS, कौन सा डिस्प्ले, जब सभी आपको पता होगा तो कोई आपको क्या बेवकूफ़ बना देगा, क्या नहीं। क्या लोग प्रयास करेंगे? बिल्कुल करेंगे। क्या आप धोखे खा जाएंगे? नहीं, आप नहीं खाएंगे। इसे ज्ञान लाइए सर, इतनी जल्दी विश्वास मत करिए, वक्त लीजिए, परखिए, समझिए क्या लोग हैं उस लायक कि वो आपके जो आपकी कंडीशंस हैं उनको मैच करवा पा रहे हैं। अगर करवा पा रहे हैं तो बिल्कुल करिए। क्या धोखा नहीं मिलेगा? फिर भी मिलेगा, कम धोखे मिलेंगे, चांसेस कम हो जाएंगे, लेकिन धोखा क्या तब भी मिलेगा? तो जी हाँ, धोखा तब भी आपको मिलेगा, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंसान को धोखा ना मिले, क्योंकि इंसान तो खा ही रहा है रोज़ धोखा, हर इंसान धोखा खाता है। तीसरी चीज़ कि इंडिपेंडेंट बनिए, एक्सपेक्टेशंस कम रखिए। आप जितना लोगों से एक्सपेक्टेशंस रखोगे उतना दुखी रहोगे, ये आप लिख के ले लीजिए। एक्सपेक्टेशंस कम रखिए, और अगर रखना है तो सही जगह पर सही एक्सपेक्टेशंस रखिए। हाँ, गोलगप्पा खा के मैं सोचोगे एक गोलगप्पा खा लेता हूँ, उसके बाद क्या होगा, तो स्वर्ग की अनुभूति होगी, ऐसा लगेगा जैसे मैं जन्नत में हूँ। अतिशयोक्ति करेंगे तो बिल्कुल आप जन्नत में, क्या आप कहीं पहुँच जाइए, लेकिन सही मायने में क्या जन्नत मिलेगा क्या गोलगप्पा खाने से? नहीं सर, एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है, लगाइए ना कि हाँ एक गोलगप्पा खा लूँगा, क्या होगा, ज़्यादा चटकारेदार होगा, जीभ को स्वाद मिलेगा, अच्छा लगेगा, थोड़ा बहुत हो सकता है पेट भर जाए बस। अब नहीं मिली जन्नत की प्राप्ति तो क्या दिक्कत है भाई, इसकी इतनी हैसियत थी ना गोलगप्पे की, यही कर सकता था। कोई इंसान धोखा दे भी जाएगा तो आप बोलोगे इतना ही तो था यार, तुम ये कर, इससे ज़्यादा तुम कर क्या सकते थे? जब तक तुम्हारा फ़ायदा था तब तक तुम थे, फ़ायदा निकल गया, अब तुम क्या ही कर सकते हो। हर इंसान स्वार्थ के लिए है, लेकिन मैं कह रहा हूँ जहाँ स्वार्थ भी है वहाँ कम से कम, सिर्फ अगर शारीरिक ही लेवल का स्वार्थ है, हाँ शारीरिक स्थल पे ही अगर लाभ का मिल रहा है आपको स्वार्थ, तो मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा चैतन्य हो जाइए, थोड़ा चेतना की ओर बढ़िए, थोड़ा सत्य की ओर बढ़िए। अब बस इतना ही आप समझ लीजिए, ठीक है। शारीरिक स्वार्थ में जितना फंसोगे मारे जाओगे, शारीरिक स्वार्थ के साथ बढ़ते हुए अगर आप चेतना की तरफ जा रहे हैं उससे अच्छा आपको कुछ नहीं हो सकता। अगर इस पर वीडियो और डिटेल में चाहिए तो मैं बिल्कुल बनाऊंगा आपके लिए, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और ये भी बताना कि जो ये तीन चीज़ें बताइए क्या यही है, और ये भी बताइएगा कि क्या बीता हुआ सुख और आने वाले सुख की कल्पना एक्सपेक्टेशंस क्या यही दुख का कारण होता है, इसके अलावा तीसरा भी कोई आपके पास है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को शेयर प्लीज़ कर दीजिएगा।